हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो मूवी लेके आए हैं उस मूवी का नाम है हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। मूवी शुरू होती है तूफानी रात के साथ, जहां हम एक घर में कैरी एना नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके बाल बिखरे होते हैं और वो काफी डरावनी लग रही होती है, मानो जैसे वो कोई चुड़ैल हो। वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उससे एक लैंप गिर के टूट जाता है, जिसके गिरने की आवाज कैरी की मॉम सुन जाती है तो वो बाहर देखने आती है। लैंप को गिरा देख वो उसे उठाने के लिए झुकती है, तभी कैरी हैमर से कई बार अपने मॉम के सर पर मार के उसकी जान ले लेती है। हैमर की आवाज सुन के कैरी के फादर उठ जाते हैं, पर वो कुछ कर पाते उससे पहले कैरी उनके पास आके उन्हें भी जान से मार देती है। फिर अपने पेरेंट्स को मारने के बाद वो घर से भाग जाती है और फिर कभी वापस लौट के नहीं आती है। इसके बाद कहानी 4 साल आगे बढ़ती है और हम एक नई फैमिली मॉम सारा और डॉटर एलिसा को देखते हैं, जो उसी जगह पर रहने के लिए आए हैं। उनके घर के विंडो से जेकबसन हाउस को देखा जा सकता था, जहां कैरी ने अपने पेरेंट्स को मारा था। इलाके में 2 मर्डर होने की वजह से यहां के घरों के रेंट काफी कम हो गए थे, जिस वजह से सारा इतने बड़े से घर को अफोर्ड कर पाई थी। शाम को एलिसा घर के अगल बगल घूमने के लिए जाती है, पर जंगल में कुछ आवाजें सुनने के बाद वो डर के वापस घर आ जाती है। फिर एलिसा और सारा डिनर करते, जहां हमें पता चलता है कि सारा अपने हस्बैंड से अलग हो गई है, पर एलिसा अब भी अपने फादर को मिस करती है। उस रात सारा जब सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब आवाजें बाहर से आते हुए सुनाई देती है। वो जाके देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जेकबसन हाउस के लाइट जल रहे होते, यानी अब भी वहां कोई रहता है। अगले दिन वो दोनों जब अपने नेबर से मिलने के लिए जाते, तब उन्हें पता चलता है कि जेकबसन हाउस में अब भी उनका बेटा रियान रहता है, पर वो बाहर किसी से भी बात नहीं करता है और बस अपने काम से काम रखता है। यहीं एलिसा टायलर नाम के लड़के से मिलती है, जो उसी स्कूल में पढ़ता है जहां एलिसा भी पढ़ने जाने वाली थी। आगे हमें पता चलता है कि कोई भी अगर जेकबसन हाउस को खरीदने की कोशिश करता है तो उसका बेटा रियान कितने भी पैसे देने के बाद उस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। वही कैरी ने जब अपने पेरेंट्स को मारा था, उस समय रियान भी घर में था, जो ऊपर अपने चाची के साथ सोया हुआ था। इसके साथ ही ये भी रूमर है कि कैरी अपने पेरेंट्स को मार के भागने के बाद डैम में गिर गई थी, पर उसकी बॉडी आज तक किसी को भी नहीं मिली। टायलर यहाँ ये भी बताता है कि कई लोगों ने कैरी को जंगल में घूमते हुए देखा है, जबकि कईयों का मानना है कि ये बकवास है। फिर जब एलिसा और सारा अपने घर जा रहे होते, तब एलिसा को फिर से जंगल में आवाजें सुनाई देती है, और उनके आगे जाते ही हम एक छाया को पेड़ के पीछे देखते हैं। अगले दिन वुडशीर हाई स्कूल में टायलर एलिसा को फेमिन ग्रुप पार्टी में इनवाइट करता है, पर एलिसा पार्टी में जाने से मना करती है और कहती है कि उसकी मॉम के साथ कुछ प्लान्स है। तभी उसे पता चलता है कि आज उसके मॉम को नाइट शिफ्ट के लिए रुकना होगा, इसलिए वो पार्टी में जाने का डिसाइड करती है। पार्टी के दौरान टायलर एलिसा को परेशान करने लगता है, तो वो बिना कुछ सोचे उस पार्टी से निकल जाती है और काली रात में अकेले अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसके पास एक कार आके रुकती है, जिससे वो डर जाती है और वो अपने मॉम को कॉल करती है, पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती है। उस गाड़ी में रियान होता है, जिसे पता चलता है कि एलिसा उसकी नई पड़ोसी है, तो वो उसे लिफ्ट देने की बात करता है, पर रियान की पर्सनैलिटी से एलिसा वाकिफ होती है, इसलिए वो डर के पूरी तरह से मना कर देती है और कहती है कि वो अपने मॉम का वेट कर रही है। पर तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो उसे रियान के साथ जाना पड़ता है। रास्ते में एलिसा उससे पूछती है कि वो आज भी उस घर में क्यों रहता है जहां उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ है, तो रियान बताता है कि जब वो 7 साल का था, तब उसके फादर ने उसे अलग भेज दिया था और अब फैमिली के नाम पर बस उसके पास वही घर है, यही कारण कि वो आज भी उस घर में रहता है। वो ये भी बताता है कि उसे ठीक करने के बाद वो घर को बेच देगा और नए जगह पर रहने के लिए चला जाएगा। घर वापस आने पर एलिसा की मदर उसे डांटती है, उसे बिना बताए रियान के साथ आने के लिए, पर एलिसा इसे नाराज हो जाती है और मॉम को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं, जो एक आदमी के लिए खाना बना के बेसमेंट में ले जाता है, जहां वो एक छोटा दरवाजा खोल के अपने सीक्रेट जगह में जाता है, जहां अंदर एक रूम होता है जिसका दरवाजा खोलते ही उस पर एक लड़की अटैक कर देती है, जो और कोई नहीं बल्कि कैरी होती है। रियान उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे कैरी बेसुध हो जाती है। फिर वो उसे पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो बाहर जाने की कोशिश क्यों करती है, जबकि वो उसका इतने अच्छे से ख्याल रखता है। साथ ही वो कैरी से नए पड़ोसियों को परेशान ना करने के लिए कहता है। फिर जब वो रूम के बाहर निकलता है, तो रूम को लॉक करके उसकी चाबी डोर फ्रेम के ऊपर रख देता है, जहां वो हमेशा रखा करता है। अगले दिन स्कूल में एलिसा टायलर को देखती है, तो उसे वो अवॉइड करने की कोशिश करती है, जिससे टायलर को इंसल्ट फील होता है। फिर एलिसा अपने नए फ्रेंड जिलियन से मिलती है, जिससे वो पिछली रात पार्टी में मिली थी। जल्दी जिलियन का भाई और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उनके पास आ जाता है, जहां जिलियन उन्हें बताती है कि एलिसा बहुत ही अच्छी सिंगर है। ये जानने के बाद वो उसे उनके बैंड को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं आने वाले टूर्नामेंट के लिए। इस दौरान सारा बिल नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उससे रियान के बारे में पूछती है। दूसरों की तरह बिल के अंदर भी रियान के लिए कोई हेट नहीं होता है और वो उसके लिए सहानुभूति जाहिर करता है। वो उसे ये भी बताता है कि रियान से उसे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर तब भी हर कोई रियान के बारे में गंदी बातें करना पसंद करता है। बिल की बातें सुनने के बाद सारा सोचती है कि वो फालतू के रूमर्स सुन के परेशान हो रही थी। उसी वक्त हम एलिसा को देखते हैं, जो रियान के घर पर पहली बार उससे मिलने के लिए जाती है और उसे अपने गानों की सीडी देती है। वहाँ एलिसा देखती है कि फॉलोअर शेल्टर में बहुत सारा खाने का सामान जमा है और वो एक वॉकी टॉकी भी देखती है, जिसके बगल में कैरी की ड्राइंग भी रखी होती है। पर इस सब को इग्नोर करके वो रियान के घर को देखने लगती है। वहाँ वो रियान की फैमिली फोटो भी देखती है। फिर जब एलिसा कैरी के पुराने रूम में जाती है, तो नोटिस करती है कि ये छोटे बच्चे के रूम की तरह लग रहा है, पर कैरी तो लगभग 13 साल की थी। तब रियान बताता है कि एक दिन जब वो कैरी के साथ झूले पर खेल रहा था, तब कैरी काफी ऊंचा
नीचे जाने लगी और वो ऊपर से गिर गई। जिसके बाद रियान ने मदद के लिए अपने पेरेंट्स को आवाज लगाई, पर वो दोनों ड्रग्स लेने में बिजी थे तो वो कैरी को देखने नहीं गए। इस हादसे की वजह से कैरी का ब्रेन डैमेज हो गया और जब उसे होश आया तब वो पूरी तरह से बदल गई थी। वो सामानों को तोड़ने लगी और अपनी ही फैमिली पर अटैक करने लगी। उसके बाद एलिसा अपने घर वापस आ जाती है और वो मॉम को बताती है कि वो रियान के घर पर गई हुई थी। ये सुनकर सारा चिंतित हो जाती है और कहती है कि वो रियान से मिलना और उसे ठीक करना बंद करे। वहीं दूसरी तरफ एलिसा के जाने के बाद रियान कैरी को देखने जाता है, पर जब वो रूम से बाहर निकलता है तो दरवाजे को लॉक करना भूल जाता है। इसलिए जब कैरी उठती है तो वो दरवाजे को खोल लेती है और वहां से निकल के भागती है। उसे भागता देख रियान उसे पकड़ने जाता है और कैरी भागते हुए एलिसा के घर के तरफ जाती है। एलिसा को दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है और जब वो दरवाजा खोल के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक से जिलियन उसके पीछे से आके उसे डरा देती है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद हम रियान को देखते हैं जिसने कैरी को पकड़ रखा होता है। अगले दिन सारा रियान को उनके घर डिनर के लिए इनवाइट करती है जिससे एलिसा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम पहले से रियान के खिलाफ थी। डिनर टेबल पर सारा शराब पीते हुए रियान से बहुत अजीब अजीब सवाल पूछती है। फिर जब वो मिठाई लाने के लिए जाती है तब रियान एलिसा को थैंक्स कहता है क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया था। तभी वहाँ सारा आ जाती है और वो रियान और एलिसा से कहती है कि अगर सारा उनके साथ नहीं होगी तो वो अकेले में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। सारा अपनी बेटी को लेकर चिंतित होती है क्योंकि एलिसा अभी सिर्फ हाई स्कूल में थी तो वही रियान कॉलेज में था। रियान सारा के इस रूल का रिस्पेक्ट करता है पर जल्दी वहाँ से चला आता है जिससे एलिसा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मॉम के रूड बिहेवियर के लिए उसे बोलती है। अगले दिन सारा बिल से मिलती है और उसे सारी बात बता देती है जो उसने पिछली रात रियान के साथ की। वो यहाँ दावा करती है कि उसने बस ऐसा एलिसा के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जो गलती उसने बचपन में की थी वही एलिसा भी करे। इस दौरान हम एलिसा को देखते हैं जो जिलियन के साथ होती है। वो अब भी अपने मॉम पर गुस्सा होती है क्योंकि उसकी मॉम उसे अभी एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। इसके बाद वो रियान से मिलती है और अपने मॉम की तरफ से उससे माफी मांगती है। फिर वो उन्हें घर तक लिफ्ट देने के लिए पूछती है जिसके लिए रियान तैयार हो जाता है, पर जिलियन को रियान से डर लग रहा होता है इसलिए वो रियान के साथ गाड़ी में बैठने से हिचक रही होती है। जिलियन को उसके घर छोड़ने के बाद रियान एलिसा को उसके मदर की प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो दोनों अकेले में साथ नहीं रह सकते हैं। पर एलिसा अपनी मॉम की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और वो कहती है कि उसने घर के टेलीफोन को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है जिससे टेलीफोन पर आने वाले सारे कॉल उसके मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसी वक्त उसे उसके मॉम का कॉल आता है जो बताती है कि वो आज भी नाइट शिफ्ट में बिजी रहेगी। उस रात एलिसा रियान के घर पर उसके साथ जाती है और सोफे पर उसके साथ मेकआउट करने लगती है। उनकी आवाज वॉकी टॉकी के थ्रू कैरी तक जाती है तो समझ जाती है कि यहाँ से निकलने का ये सही मौका है। वो बड़े चालाकी से चाबी को अंदर ले लेती है और बेसमेंट से निकल जाती है, पर जब वो चाकू लाने जाती है तो रियान उसे देख लेता है जिसके बाद वो तुरंत ही एलिसा को घर से निकाल देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो कैरी के पीछे आता है जो जंगल की ओर भाग के जा रही होती है और वो एक कपल के पास पहुंचने वाली होती है जो उसे थोड़ी ही दूर पर होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले रियान उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। पर कैरी के चीखने की आवाज वो कपल सुन लेते तो मजबूरी में रियान को कैरी का गला काटना पड़ता है। फिर वो कैरी की बॉडी अपने कार में रख के कहीं ले जाने लगता है। फिर बॉडी को सही जगह पर रखने के बाद रियान एक कैफे में जाता है जहाँ पेगी जोनस नाम की वेट्रेस उसे केक लाके देती है। कुछ देर के बाद वो एलिसा को कॉल करता है और उसे सॉरी कह के दोबारा मिलने के लिए पूछता है तो एलिसा उसे बैंड कंपटीशन में आने के लिए कहती है। फिर जब रियान वहां पहुंचता है तो टायलर उसे सनकी कह के गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, पर रियान उसकी बातों को इग्नोर करता है और एलिसा के पास मिलने के लिए जाता है। एलिसा और रियान बात कर रहे होते हैं तभी उनके पास एक लड़का आता है जो कहता है कि लड़के रियान की कार के ग्लास को तोड़ रहे हैं। रियान वहां जाके उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़के उसे पीटने लगते हैं। अब रियान के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है तो वो टायलर का पैर पकड़ के तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा के उसके पैर पर मारता है। ये देख के वहाँ खड़े जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रियान को वहाँ से भागना पड़ता है जबकि वहाँ मौजूद दूसरे लड़के उसके घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। ये देख के एलिसा रियान की कार लेके उसके घर को बचाने के लिए जाती है। लड़के उसके घर को आग लगाने की कोशिश करते हैं पर एलिसा सही समय पर वहाँ पहुँच जाती है और वो आग को बुझा देती है। उसी वक्त उसे उसके मॉम का कॉल आता है जो कहती है कि टायलर अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो एलिसा एक्सप्लेन करती है कि रियान सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सारा उसे घर जाने के लिए कहती है तो निराश होकर एलिसा कॉल को कट कर देती है, पर कॉल कट करने से पहले वो कहती है कि वो घर पर ही है। कॉल कट करने के बाद उसे टैम्पॉन्स का बॉक्स मिलता है तो वही दूसरा अजीब बॉक्स उसे रियान के कचरे से मिलता है। इस दौरान टायलर के पेरेंट्स रियान को अरेस्ट करने की बात करते हैं पर ऑफिसर बिल उन्हें चुप करता है और कहता है कि वो सारी बात पता करने के बाद उसे अरेस्ट करेगा। सारा यहाँ एलिसा को लेकर चिंतित होती है तो बिल उसे शांत करता है और कहता है कि वो रियान और एलिसा को देखने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ एलिसा को बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए तो वहाँ सिर्फ वॉशिंग मशीन होता है जो चल रहा होता है। वहाँ उसे वो हिडन डोर भी दिख जाता है जिसे खोल के वो अंदर चली जाती है। अंदर उसे कमरा दिखता है जिसका दरवाजा खोलते ही उस पर एक लड़की हमला कर देती है। तभी रियान वहाँ आ जाता है जो लड़की को पकड़ लेता है और एलिसा को ऊपर वेट करने के लिए कहता है। इस लड़की को भी रियान कैरी नाम से ही बुलाता है जिससे एलिसा को लगता है कि ये लड़की रियान की बहन कैरी है।
रियान जब उसका हाथ बांधता है तो हम नोटिस करते हैं कि ये लड़की कैरी नहीं है, क्योंकि कैरी की आंखें ब्लू कलर्स की थी। वही एलिसन ने भी कैरी का फोटो देख रखा था तो उसे भी पता था कि कैरी की आंखें ब्लू है, पर नीचे वाले लड़की का आंख ब्लू नहीं होता है तो उसे शक होता है। वो किचन में आके उस अजीब बॉक्स को फिर से देखती है जो ब्लू कॉन्टेक्ट लेंस का बॉक्स होता है। उसे पैगी जोनस नाम की लड़की का वॉलेट भी मिलता है, जिससे हम जान पाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने रियान को रेस्टोरेंट में केक और कॉफी ऑफर किया था। तभी वहां पर रियान आ जाता है जिससे वो चौंक जाती है। रियान यहाँ एलिसा को इस सब के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है तो डर के मारे एलिसा उसकी बात मान जाती है और कहती है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। पर वो वहां से निकल पाती उससे पहले रियान उसे मार के बेहोश कर देता है। और जब वो नीचे गिरती है तो हम देखते हैं कि उसका फोन फ्लोर पर गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब एलिसा को होश आता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में चेयर के ऊपर बंधा पाती है। तब रियान रिवील करता है कि कैरी बचपन में ही झूलों पर से गिर के मर गई थी, और जिस लड़की को इससे पहले हमने बेसमेंट में देखा था वो भी एक विक्टिम थी जिसे रियान पकड़ के ले आया था। ये जानने के बाद एलिसा के मन में एक सवाल आता है कि अगर कैरी बचपन में ही मर गई थी तो उसके पेरेंट्स को किसने मारा। पर रियान इसका जवाब नहीं देता है। वो आगे कहता है कि भले ही उसकी बहन मारी गई पर उसे अब भी कोई चाहिए जो कैरी बन के रहे, इसलिए वो दूसरी लड़की को किडनैप करता है उसे कैरी की तरह बना के रखने के लिए। और अब यहाँ हम जान पाते हैं कि अगली कैरी एल्सा होगी। इस दौरान सारा एलिसा को कॉल करती है, पर जब वो कॉल नहीं उठाती है तो सारा को डर लगने लगता है, इसलिए वो बिल को कॉल करती है और रियान के घर पर चेक करने के लिए कहती है। वही रियान कैरी के रूम में जाता है और चीजों को तैयार करने लगता है उसे नया कैरी बनाने के लिए। वो बताता है कि कैरी झूले से गिरने के बाद मर गई थी, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे सजा भी दिया। उसी वक्त वहाँ बिल आ जाता है जो रियान से टेलर के साथ लड़ाई के बारे में पूछता है। फिर जब वो एलिसा के बारे में पूछता है तो रियान कहता है कि वो यहाँ नहीं है, वो बैंड कॉम्पिटिशन में होगी। जिसके बाद बिल रियान के घर के बाहर निकल जाता है, पर वहां से आने से पहले वो एलिसा को कॉल करता है तो उसके फोन के बजने की आवाज उसे रियान के घर में से आ रही होती है। रियान भी फोन की आवाज सुन लेता है, जिसके बाद बिल के साथ लड़ने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो हाथ में चाकू उठा लेता है और वो लाइट सबको ऑफ कर देता है ताकि बिल उसके पीछे आए। इस दौरान एलिसा अपने पैरों को फ्री कर लेती है, पर हाथों को फ्री करने के लिए उसे गर्म लैंप का यूज करना पड़ता है। वही बिल रियान को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है, तभी रियान पीछे से आके उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद बिल सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है। फिर रियान बिल पर चिल्लाता है ये कहते हुए कि वो ये सब बहुत पहले खत्म कर सकता था। यहाँ हमें बताया जाता है कि जब कैरी मरी थी तब बिल वहीं था और उसे हमेशा से पता था कि कैरी मर गई है। साथ ही वो ये भी जानता था कि रियान के पेरेंट्स एडिक्टेड थे, पर फिर भी उसने उनकी मदद की रियान की बॉडी छुपाने में। तब बिल कहता है उसने उसे प्रोटेक्ट किया था। ये सुनते ही बिल गुस्सा हो जाता है और स्टैप करके उसकी जान ले लेता है। बिल के मरने के बाद रियान एलिसा के पास जाता है, जहां उसे दरवाजा खोलते ही एलिसा उस पर अटैक कर देती है और उसे रूम के अंदर बंद करके वहां से भागती है। एलिसा उस सीक्रेट डोर को भी वॉशिंग मशीन से बंद कर देती है, पर वो बेसमेंट से निकल नहीं पाती है क्योंकि उसका दरवाजा लॉक होता है। फिर जब वो बिल को मरा देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो गैरेज से निकलने की कोशिश करती है, पर उसका दरवाजा भी बंद होता है। वो फिर दरवाजे को तोड़ के वहां से निकलने की सोचती है, पर जब वो कार के अंदर बैठती है तभी वहां रियान आ जाता है जो फिर से एलिसा को पकड़ लेता है। कुछ समय के बाद सारा रियान के घर पर पहुंचती है और दरवाजे को पीटने लगती है। रियान आके दरवाजा खोलता है तो सारा उसे एलिसा के बारे में पूछती है तो रियान कहता है कि वो यहाँ नहीं आती है। उसी वक्त हम एलिसा को देखते हैं जो कार के बाहर निकल जाती है और गैरेज के दरवाजे में लगे ग्लास को तोड़ के उससे बाहर निकलती है, जिससे सारा को लगता है कि एलिसा घर पर है तो उसे वो आवाज लगाने लगती है तो रियान उसे रोकता है उसके पेट में छुरा मार के। इस दौरान एलिसा गैरेज से निकल जाती है और बेसमेंट में छिप जाती है। रियान को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो एलिसा को ढूंढने लगता है, ये कहते हुए कि वो उससे प्यार करता है पर उसे कोई चाहिए जो उसकी बहन बन के रहे। जल्दी रियान उसे ढूंढ लेता है तो एलिसा भागती है और बिल का गन ले लेती है। ये देख के रियान छिप जाता है और सारे लाइट्स को बंद कर देता है। फिर जब वो उसे मारने जाता है तब एलिसा उसे देख लेती है और कई सारी गोलियां उसके सीने पर उतार देती है। फिर रियान जब बेसुध पड़ा होता है तब एलिसा उसके पास जाती है चाबी लेने के लिए, पर तभी रियान उठ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लकीली सारा होश में आ जाती है और हैमर से मार के उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद मॉम और डॉटर यहाँ से निकल जाती है और अगले ही दिन वो उस टाउन को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। मूवी के लास्ट में हम रियान को देखते हैं जो कि जेल में होता है, जहाँ रियान अपने पास्ट को याद करता है और हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे मारती थी रियान होने के लिए और उसे कैरी की तरह ट्रीट करती थी। इससे हमें पता चलता है कि कैसे रियान मेंटली इल हो गया था और वो कैरी एना बनकर ही अपने पेरेंट्स को मार डालता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।